सीरियल नथ कृष्ण और गौरी की कहानी में होटल में सारे लोग फंस जाते हैं और सारे लोगों को भगवान बनकर बचाती है कृष्णा। एक कमरे से लड़की की आवाज़ आती रहती है, बचाओ बचाओ बचाओ। वह एक मशीन उठाती है जिससे आग बुझती है और वह मशीन से तोड़ती है दरवाज़ा और उसी मशीन का प्रेशर पूरे कमरे में करती है तो थोड़ी सी आग बुझ जाती है। और जब आग बुझ जाती है तो छोटी बच्ची को कंबल में लपेट कर बाहर ले आती है और वहाँ उसकी माँ भी डली होती है। वह बाहर बच्ची को खड़ा करके अंदर जाती है और उसकी माँ को भी कंबल में लपेट कर और बाहर लाती है और माँ बेटी को मिला देती है और वहाँ से चली जाती है। उन्हें एक बिठालती है गाड़ी पर और गाड़ी को धक्का मार कर उन्हें बाहर निकाल रही होती है। तभी यहाँ गोपाला और जीत आ जाते हैं, कहते हैं देखो अकेले भाग रही है कृष्णा। और जैसे ही ऐसा कहते हैं घर वालों को यह न्यूज मिल जाती है कि जिस होटल में जीत और कृष्णा रुके हैं वहाँ पर आग लग गई है। सारे परेशान हो जाते हैं न्यूज देख कर और उसके पिताजी कहते हैं मैं अभी पूछता हूँ कमिश्नर से, और कमिश्नर को फ़ोन लगाते हैं तो वह कहता है कि जिस लिस्ट में आप पूछ रहे हैं उसमें गोपाला और जीत का नाम है, कृष्णा और जीत का नाम नहीं है, होगा तो हम आपको बता देंगे। और सभी लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से। यहाँ गोपाला है और जीत के ऊपर गिर जाती है एक जलती हुई बहुत बड़ी लकड़ी और दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और वहीं आ जाती है कृष्णा और कृष्णा बचाती है जीत को उस लकड़ी को पकड़कर और उठाकर उसे किनारे ले जाती है और उन्हें डॉक्टर के पास पहुँचाती है। कुछ लोग और उसे सहारा देते हैं और उसका इलाज शुरू हो जाता है। यहाँ गोपाला चिल्ला रही होती है, सारे लोग कहते हैं आग लगी है अंदर मत जाओ, लेकिन गोपाला की आवाज़ सुनकर वह बचाने के लिए वापस आ जाती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी गोपाला एक बार और आवाज़ लगाती है और वह उसे उठाकर बाहर निकाल लेती है, उसे भी वह लपेट कर कंबल में बाहर निकालती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई। जैसे ही वह उसे बाहर ले जाती है उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है। वह उसे बिठालती है और पानी ढूंढने जाती है, तभी पीछे से जीत आ जाता है और वह घबरा जाता है कि गोपाला को कुछ हो गया। जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।